हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड क्रंच। बॉलीवुड में क्रिकेट पर कई फिल्में बन चुकी हैं और अब एक और ऐसी ही फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिल्म का नाम होगा 22 यार्ड्स। इस फिल्म में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे वरुण सोबती नजर आने वाले हैं। वरुण सोबती ने साल 2014 में फिल्म मैं और मिस्टर राइट से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब उनकी अगली फिल्म 22 यार्ड्स रिलीज होने के लिए तैयार है। हाल ही में मुंबई में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया और इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट के अलावा सौरभ गांगुली भी नजर आए। तो वहीं जब सौरभ गांगुली से उनकी बायोपिक के बारे में सवाल किया गया कि अगर उनकी बायोपिक बनेगी तो वो किसे बतौर एक्टर अपनी फिल्म में देखना चाहेंगे, तो सुनिए सौरभ ने क्या कहा। यार, ये बोलना मुश्किल है इस समय क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं बायोपिक का। ये पहले सब बन जाने दीजिए, फिर अगर टाइम होगा तो मेरा बना लेंगे, लोगों को देखने का इंटरेस्ट भी होगा। तो एक्चुअली बहुत सारे अच्छे बायोपिक्स बने, मिल्खा सिंह के बने जो मुझे बहुत अच्छा लगा, MS धोनी का बहुत अच्छा लगा, तेंदुलकर का थोड़ा सा अलग था। अभी 1983 का बन रहा है, वो एक बड़ा समय था भारतीय क्रिकेट का, तो वो मैं देखने के लिए ज़रूर चाहूँगा कि जब वो ख़त्म हो देखे। बट एज़ फार एज़ माई बायोपिक इज़ कंसर्न, वील वेट एंड सी, नथिंग इज एट द मोमेंट आई थॉट अबाउट इट ऑल्सो। वहीं जब हार्दिक पांड्या और KL राहुल के बयान को लेकर सौरभ से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से इस सवाल को टाल दिया, देखिए। मैं वो प्रोग्राम देखा नहीं यार, तो मेरे लिए आई एम आल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑडियंस बिकॉज़ वी हैव वेरी लिटिल टाइम। मैं वो देख लेता हूं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अगर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म के ट्रेलर को देखकर यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि फिल्म में वरुण एक स्पोर्ट्स एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में टीवी एक्ट्रेस प्राची बोहरा भी नजर आएंगी और अब यह फिल्म 22 यार्ड 22 फरवरी को रिलीज होने जा रही है और देखना होगा कि आखिर वरुण के फैंस इस किरदार में उनको कितना पसंद करते हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।